ठीक प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मैथमेटिक्स का एक सवाल अपने दोस्त को सिखाएंगे। देखो, मैथमेटिक्स ऐसा है, शब्द है जिससे हमारी दिमाग की बहुत बड़ी कसरत होती है। कहते हैं कि इंसान को ना फिजिकली भी एक्सरसाइज करनी चाहिए और दिमाग की भी कसरत करनी चाहिए। जिसका दिमाग अच्छा चलता है वो जिंदगी में तरक्की कर सकता है। तो जिसने जिंदगी में तरक्की करनी है उसको मैथमेटिक्स सीखना ही चाहिए। प्रिय अश्विनी जी, ये एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ठीक है जी? तो हमने इसका डिफरेंशिएट इसको कहना है 1/x^2। तो इसमें क्या है कि मान लो कि ना y को हमने कर लिया 1/√x, इसको 1 मान लिया। मान लो दुनिया गोल है, हम कहते हैं दुनिया तिरछी है, मानने से क्या है, मान लेते हैं इसको वास्तवाद हो रहा है। एज पर डेरिवेटिव रूल, अगर यहां जमा dy होता है तो यहां जमा dx होता है, ये कानून कहता है, मैथ का एक कानून है डेरिवेटिव का, कि अगर y में हम dy जमा कर दे तो x में हमें dx जमा करना पड़ेगा। अब दो में से, ये दो में से एक घटा दो, यानी ये y है, ये है दो, इसमें से ये घटा दिया, y कट गया ना, ठीक है। अब ये उठा लिया, इसमें से ये घटा दो, ये रख दिया। अब स्केल लघुत्तम निकालते हैं इसका, एलसीएम कहते हैं उसको। तो इसका एक्स प्लस डीएक्स का स्केल रूट, तो ये रकम इधर चली जाती है, ये रकम इधर चली जाती है, तो ऐसे दिखाई देता है। अब ये ऊपर वाली रकम है ना, इसको अगर हम स्केल रूट एक्स प्लस डीएक्स जमा ऊपर जमा नीचे से गुना करें तो ये चीज फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी 1/2 b/2 में। अब देखो ये सवाल, इधर आ जाओ आप। देखो मैंने क्या किया, इस रकम को इसके साथ गुना किया, स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स स्केयर रूट प्लस एक्स प्लस डीएक्स स्केयर रूट। अब इसको मैंने खत्म भी कर दूं तो कोई नहीं, ये कट भी जाता है, प्रभाव नहीं है इसका, पर इससे ने इसके साथ गुना होना है, तो 1/2 b/2, इससे क्या हो गया, ये स्केयर रूट से शक्ति कट जाती है, जो स्केयर रूट होता है शक्ति कट जाती है, ये कट गया, ये इससे कट गया, यहां एक्स आ गया, ये इससे कट गया, यहां आ गया। अब ये माइनस अंदर गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये एक्स है, इसका जो एक्स निकला था इससे भी कट गया। अब हमारे पास यहां माइनस डी एक्स है और ये रकम नीचे वाली इसके साथ गुना हो गई, ये वाली रकम आ गई। अब ये माइनस डी एक्स है, डी एक्स को इधर ले गए तो माइनस एक आ गया, नीचे वाले कम वैसे वैसे ले ली। अब हमने लिमिट निकालनी है, dx इज इक्वल टू 0, ये dx है, ये dx है, ये 0 बना दो एज पर लिमिट के नियम के अनुसार, कानून चलता है मैथमेटिक्स का। तो यहां 0 रख दी हमने, यहां 0 रख दी। अब क्या हुआ कि dy बटा dx इसकी कीमत ये आ गई। अब ये y है ना, ये y की कीमत कितनी थी, ये देखो पहले y की कीमत थी 1/√x, इस y की कीमत में ये डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये है ना, ये चीज यहां थे ना, ये इसके अंदर गया, इसके साथ गुना हो गया ना, नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं, यहां तो 0 हो गया था ना। अब ये है x और स्केयर रूट x, ये 0 खत्म हो गया, x जमा 0 x, x जमा 0 x। अब ये भी 2 है, एक यहां एक यहां, ये 2 माइनस 1 2 x स्केयर रूट x, ये इसकी कीमत आ गई है, डेरिवेटिव की हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है, समझ आया, कुछ बुद्धि में आया? हाँ, तो धीरे धीरे हम और अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, थैंक यू।